जय हिंद दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह परमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बुंदेलखंड एकेडमी चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लाया हूं आप लोगों के लिए, लंबी ऊंची कुंद का ग्राउंड कैसा होना चाहिए और आपको कैसी बनाना चाहिए। असम से एक बंदे का मेरे पास फ़ोन आया था 2 महीने पहले, उसका हाई जम्प लॉन्ग जम्प था, उसका निकल भी गया है। तो मुझसे कंटिन्यू 1 महीने कॉन्टैक्ट में रहा, तो बोला सर मुझे हाई जम्प लॉन्ग जम्प नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। तो मैंने उसको बोला तुम वीडियो बनाकर भेज, तो उस भाई ने वीडियो बनाकर भेजा। तो मैं देख रहा था कि उसकी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो पा रहा था उसकी हाई जम्प लॉन्ग जम्प में, क्योंकि उसका ग्राउंड सही नहीं था। और जब मैंने उसको बोला कि भाई तुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, थोड़ी सी रेत देख ले कहीं पे, और मैंने उसको तकनीकी बताई कि बनाना कैसे है आपको ग्राउंड, ठीक है, यानी कि आपको गड्ढा कैसे बनाना है प्रॉपर, उसके लिए ग्राउंड कैसे बनाना है दौड़ने के लिए और प्रॉपर जम्प के लिए। तो भाई ने ऐसा किया, उसका रिजल्ट भी निकल गया है, बंदा बड़ा खुश था। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ, कई एकेडमी वाले खर्चे ज़्यादा ना हो इसलिए वो ऐसा करते हैं कि कहीं भी आपको जंप करा देते हैं और आपकी जंप में प्रोग्रेस नहीं हो पाता, क्योंकि थोड़ा सा मेंटेनेंस चाहिए यार उस ग्राउंड में, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड की। देखो भाई, ग्राउंड बनाते कैसे हैं पहले तो ये देख लो। जब भी हम लंबी और ऊँची कुंद का जब ग्राउंड का यानी कि सोचते हैं कि हमें बनाना है, तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि हमें पहले तो गड्ढा खोदना है, ठीक है। गड्ढा खोदने के बाद इसके कम से कम आधा फुट गड्ढा खोदो कम से कम, और उसकी मिट्टी पूरी साफ करो आप। उसके बाद उसमें क्या करना है आपको, एकदम बारीक रेत मंगाना है, वो रेत नहीं जिसमें RCC में लगाते हैं हम लोग, हमको चाहिए बिल्कुल बारीक रेत। इधर आओ, मैं देखता हूँ, मैं आपके सामने ये रेत चाहिए हमको, ये आप देख सकते हो ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे आपको लंबी ऊंची कुंद का गड्ढा बनाना है। इसके बाद क्या करना है आपको, प्रॉपर उसमें से भरना है, प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेनेंस करना है, ग्राउंड को डेली फावड़े से उसको इकट्ठा करना है कि इसमें धूल ज़्यादातर इकट्ठा ना हो पाए। धूल इकट्ठी होगी तो क्या होगा, बरसात हो गई तो ये मिट्टी बन जाएगा यानी कि चिपक जाएगी। तो इसका प्रॉपर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले गड्ढा खोदना है आधा फुट, उसके बाद फिर हमको रेत डालना है, बिल्कुल बारीक मंगाना है, ठीक है। थोड़ा बहुत खर्चा तो होता है यार, इतना कर रहे हो एकेडमी चला रहे हो, तो एकेडमी वालों को ऐसा करना चाहिए, लेकिन बंदे को कहीं भी कुछ नहीं मिट्टी में गड्ढा खोदा और जंप कराना शुरू कर देते हैं। सेन पेन के साथ पैर में मोच भी जाती है, कई बार पैर में चोट भी लग जाती है और आप क्वालिफाई नहीं हो पाते, यानी कि ज़िंदगी भर के लिए आप एक अफसोस रहता है कि मैं काश हाई जंप लॉन्ग जंप कर देता तो मैं आज जॉब कर रहा होता फोर्स में। तो एक ऐसी गलती ना हो आप लोगों से, तो इसके लिए मैं पहले बता दिया है। अब देखो मैं अपना ग्राउंड बता रहा हूँ आपको, थोड़ा कैमरा घुमा इधर, फिर जंप करना आप लोग। देखो भाई, ये जंप कर रहे हैं ना, दब रही है ना मिट्टी, अब ये कितनी भी 4 फुट से भी गिरेंगे ना तो कितना धसेंगे, मुश्किल से 5 इंच 6 इंच, अरे आधा फुट चले जाएंगे तब भी इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर ये हाथ और टोनी से भी गिर गए ना ये लोग, तब भी इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अगर कोई सिर से भी गिर गया ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई लड़के अपना लाइफ खराब कर लेते हैं छोटी सी गलती के पीछे, और कई एकेडमी वाले बंदों का भी लाइफ खराब कर देते हैं छोटे से, यानी कि पैसे खर्च करने के कारण, के मतलब पैसे खर्च करना नहीं चाहते, ठीक है। तो अभी आप देख लियो ग्राउंड, ग्राउंड मानने का ये है हमारा ग्राउंड, यानी कि लंबी चीज जिसमें हम लोग कराते हैं बारी, और स्टॉप बारीक रेत है, ठीक है, चौंतों से भरी हुई है। आप ये बंदा देखो, मैं इसको जम करने के बाद बंदा, अभी ये जंप करेंगे ना तो आपको समझ में जाएगा इसके फायदे क्या हैं। आ जाओ, कम ऑन। देखो क्या होगा भाई, 5 इंच भी अंदर नहीं गया तो अगर ये घुटनों के भर भी गिरता ना, टोनी के भर भी गिरता ना, तो इसको चोट नहीं लगती। तो ये है रेत के फायदे, ऐसे हमको ग्राउंड बनाना है भाई, ठीक है, रहने दे। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, तो भाई आप लोग ऐसा कर सकते हो लंबी ऊंची कुंद के लिए, फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कि हम अगर गिर गया तो लग जाएगी। और हमको एक से एक फायदा और है कि हमको डेली फावड़े से खुदना नहीं है, रेत है जमती नहीं है, चिपकती नहीं है, ठीक है, बॉन्ड आपस में एक दूसरे से चिपकती नहीं है, तो उससे क्या होता है खुली रहती है, कभी भी उठा के आप झरा लो। तो ये है रेत के फायदे। अगर आप हाई जंप लॉन्ग जंप आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आप करना चाहते हो या आप एकेडमी खोलना चाहते हो, तो भाई थोड़ा सा खर्चा होगा, आप रेत अच्छी से मंगा लीजिए, गड्ढा बढ़िया से खोद के मिट्टी भार करके उसको भरिए, ठीक है फ्रेंड। ये मेरा वीडियो था उन भाइयों के लिए जिनकी हाई जंप लॉन्ग जंप में प्रॉब्लम आ रही है, या जो एकेडमी वाले कहीं भी गड्ढा खुदवा देते हैं भाई, ठीक है। जय हिंद।